हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इंटेंस लव के एपिसोड 8 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साओ सूजन बह के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए, और वो वहाँ पर फुल ऑन एक्टिंग करती है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर साओ ध्यान से देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उसके रेडनेस तो दूसरे पैर पर है, जिस पर वो सारी बात समझ जाता है, और उसके उस पैर पर ड्रेसिंग करता है जिस पर चोट लगी होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर साओ अपने घर जा रहे होते हैं तो उसे रास्ते में जावे मिलता है, जो कि सूजन बह से मिलने आया होता है, जिस पर वो कहते हैं कि जो विजिटिंग आवर्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। जावे कहता है कि मुझे उससे मिलना है, और कहता है आप अभी ऐसी के अटेंडेंट हो, जिस पर वो कहता है मैं उसका डॉक्टर होने के अलावा भी कुछ ज़्यादा हूँ उसके लिए, जिस पर जावे काफ़ी ज़्यादा इरीटेटेड होता है। और यहीं पर जो हमारा डॉक्टर साओ हैं वो थोड़े से जेलस दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साओ डॉक्टर साओ का वेट कर रहे होते हैं उनके घर में, जहाँ पर डॉक्टर साओ कहते हैं कि उनका दिल नहीं करता अपने घर जाने के लिए, जिस पर डॉक्टर साओ उन्हें थोड़ी बहुत ही एडवाइस देते हैं कि तुम अपना लव उसके प्रति अच्छे से जाहिर करो, जिस पर डॉक्टर साओ जो होते हैं वो डॉक्टर साओ की नज़र में काफ़ी ज़्यादा लव गुरु टाइप्स बन जाते हैं, और वो कहते हैं कि थैंक यू यार, तुमने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी, और वो मोटिवेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसकी तरफ हमें दूसरे दिखाया जाता है कि जो यिंगयिंग है वो जो है अपनी को पार्टनर के साथ मिलकर जो है सूजन बह को एम्बेरेस करने की फुल ऑन प्रैक्टिस में होती है। वो जब पिक्चर्स देखती है तो उसे पता चलता है कि जावे तो खुद सूजन बह के घर जाता है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि सूजन बह नहीं जावे सूजन बह के पसंद करता है, जिस पर जो उसकी पार्टनर है वो उससे मना करते हुए कहती है कि हम जावे के फैंस हैं तो हम ऐसे कैसे उस पर ऐसा ब्लेम लगा सकते हैं। अगर जावे कुछ भी करेगा तो उसका सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ सूजन बह पर ही जाएगा, हमारा जावे कभी भी गलत नहीं कर सकता। जिस पर जो यिंगयिंग है वो फिर से मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि हाँ, इसमें सारी गलती सूजन बह की ही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक पंछी जो होता है वो डॉक्टर साओ के घर के बाहर इंजर होकर पड़ा होता है, तो डॉक्टर साओ उसे अपने घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ जो सूजन बह और जो हमारी भूत है वो आपस में बात करते हैं, और बात करने के दौरान एकदम से सूजन बह का ध्यान पड़ता है एक फ़ाइल की ओर, जो कि डॉक्टर साओ कल रात उसके घर भूल जाते हैं। तो वो फुल ऑन तैयारी के साथ डॉक्टर साओ को वो जो फाइल है देने जाती है। जब वो फाइल देने जाती है तभी उसे वहाँ पर यिंगयिंग मिल जाती है, और यिंगयिंग सूजन बह से वो फाइल छीन कर लेकर जाने वाली होती है, जिस पर सूजन बह और उसकी बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई होती है, एक दूसरे से खींचातानी होती है, और एट द एंड यिंगयिंग जोर से सूजन बह चला देती है। जब वो सूजन बह चलाती है तो सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एक्ट्रेस है, तो सभी उसके वीडियोज़ और पिक्स क्लिक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें वूडी और डॉक्टर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर साओ जो है वूडी को फॉलो कर रहे होते हैं और उसके जिम क्लासेस में भी उसके साथ चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें जो है जीतोंग और जावे दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जीतोंग जावे को इनडायरेक्टली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और जिस पर जावे कहता है ओके। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है असल में परसों जो हमारी जीतोंग है उसका बर्थडे है, तो लेकिन जावे को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिंगयिंग जो है वो जो पिक्स क्लिक की होती हैं उसकी फ्रेंड ने उसके लिए, वो जो है डॉक्टर साओ के घर के बाहर छोड़ देती है, जिन्हें देखकर डॉक्टर साओ काफ़ी हैरान होते हैं। तभी कुछ आवाज़ के कारण वो उनका ध्यान उस जगह चला जाता है जहाँ पर यिंगयिंग छुपी होती है, वो कहते हैं बाहर आए, जिस पर यिंगयिंग बाहर आ जाती है। उसके बाद वो आपस में बात करते हैं और डॉक्टर साओ काफ़ी गुस्से में यिंगयिंग से कहते हैं कि तुमने ये पिक्स क्यों क्लिक की, जिस पर वो कहती है कि मैंने तो आपको बस बताना चाहती थी कि जावे और सूजन बह सच में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, जिस पर डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो वहाँ से चुप करके बाहर जाती हैं। इसी पर डॉक्टर साहब को जावे की बातें याद आती हैं कि सुपर स्टार के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने ईजिली बिल्डअप नहीं किए जा सकते, क्योंकि लोग उन्हें सच में काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ हमें वूडी और सूजन बह दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वूडी सूजन बह को इरिटेटिंग लुक में कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें पता है तुम्हारी इतनी सारी वीडियोस और पिक्स क्लिक की गई हैं हॉस्पिटल में, जिस पर वो कहती है कि आप डरिए मत, मैंने सब कुछ पहना था, ये तुम मुझे क्या पता था वहाँ पर यिंगयिंग आ जाएगी जिसके कारण ये सब कुछ हो गया। उस पर वो कहता है कि तुम डॉक्टर साओ से वहाँ मिलने गई थी, वो कहती है हाँ, जिस पर वो कहती है कि तुम दोनों को कहीं एक साथ लोगों ने देखा
तो नहीं? वो कहते कहीं तुम दोनों की एक साथ पिक्स तो क्लिक नहीं हुई? जिस पर वो कहती है नहीं नहीं मैं तो तब यूनियन के साथ ही जब वो सब पिक्स वगैरह क्लिक हुई हैं। उसके बाद एकदम बेल बजती है और वो देखा फ़ोन काट कर वहाँ जाती है और वहाँ वो देखती है कि डॉक्टर जाओ उससे मिलने आते हैं। असल में वो अपनी फ़ाइल लेने आए होते हैं और तभी कुछ रोमांटिक सीन होता है, दोनों में कुछ मस्ती होती है और उसके बाद डॉक्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं। और ये मोमेंट उन दोनों के लिए काफ़ी मेमोरेबल था लेकिन थोड़ा बहुत एम्बेरसिंग भी था। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ जो है अंकल जाओ को बुला लेते हैं ताकि वो यूनियन को घर ले जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर डॉक्टर साहब से काफ़ी गुस्सा होते हैं। असल में जब जो लोग हैं उन्होंने शॉर्ट वीडियोस बनाई थी सूजन बे की, तब वहाँ पर एक कैंसर पेशेंट भी आई थी। वो लड़की के जो है बाल नहीं होते बिकॉज ऑफ कैंसर, उसके जो है हेयर फॉल हो चुकी होती है और उस दौरान उसकी भी काफ़ी पिक्स क्लिक हो चुकी थी, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी और वो किसी की बात नहीं मान रही थी और उसने खाने से मना कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर साहब भी उसे मनाने जाते हैं लेकिन वो पूरी तौर से वो किसी की बात नहीं मानती और खाने पीने से मना कर देती है। दूसरी तरफ जो हमारे जैव है और सूजन बे का शूट हो रहा होता है, जब उनका शूट हो जाता है तो जैव सूजन बे को कॉफ़ी ऑफर करता है, जिस पर सूजन बे का पूरा ध्यान डॉक्टर साहब को मैसेज करने में होता है तो वो उसे बस कॉफ़ी एक्सेप्ट कर लेती है। एट लास्ट जैव उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, जिस पर वो कहती है नहीं, कुछ नहीं बोलता। उसके बाद कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ डिनर करने तो ज़रूर चलूँगी लेकिन पैसे तुम नहीं दोगे, ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी, जिस पर वह काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर जाओ को गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी गलती के कारण सूजन बे की यहाँ आने के कारण लड़की का ऐसा हालात हो चुके हैं, जिस पर डॉक्टर जाओ कुछ नहीं बोलते। उसके बाद वो कहता है कि सभी तरफ ये अफवाह है कि तुम और जो सूजन बे है वो दोनों अफेयर में हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं। डायरेक्टर कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम दोनों अफेयर में नहीं हो, नहीं तो बहुत मसला हो जाता। इसके बाद वो कहता है हम दोनों अफेयर में नहीं हैं लेकिन क्योंकि वो तो मेरी ऑलरेडी फियांसे है, जिस पर डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहता है मुझे नहीं पता, बस तुम जो उस लड़की का केस है उसे सॉल्व करो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैव और सूजन बे डिनर के लिए जाते हैं और डिनर डेट के दौरान जैव अपने दिल की काफ़ी बातें सूजन बे से कहता है और उसी दौरान सूजन बे के दिमाग में आता है कि सेतोंग तो जैव को पसंद करती, तो वो भी इससे पूछता है कि क्या ऐसी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हैं, और वो अपने मन में सूजन बे के बारे में सोचता, वो कहता है हाँ। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैंने एक सॉन्ग लिखा है और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो सॉन्ग सबसे पहले सुनाऊँ, जिस पर वो जब वो सॉन्ग सुनाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब फुल ऑन कोशिश करते हैं उस लड़की को मनाने की लेकिन वो लड़की नहीं मान रही होती। उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि उस लड़की के हर सामान पर सूजन बे की पिक्स होती हैं और इसके बाद वो उसके मॉम से पूछते हैं कि ये, जिस पर वो कहती है कि ये सूजन बे है एक एक्ट्रेस जैसे कि वो कैंसर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, और इस पर वो उन्हें आइडिया आता है। और जब वो सूजन बे और जैव आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तभी वो सूजन बे को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम आओगी, जिस पर वो कहती है इस वक्त, वो कहता है हाँ अभी हॉस्पिटल आ जाओ। तो सूजन बे वहाँ पर जाती है जैव को बाय बाय करके, और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो डॉक्टर साहब उसे सारा सीन बता देते हैं, जिसके बाद सूजन बे कहती है कि हाँ मैं ऐसे केसेस को हैंडल करना जानती हूँ तुम मेरे साथ आओ। तो वो वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं कुछ सामान लेकर, और यहीं पर हमारे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल For more updated videos, thank you.